go. अर्चना जी, आपको तो पता है हीरो का जो स्टाइल होता है उसे हीरोपंती कहते हैं. हाँ. आप सब जानते हैं हीरो कुछ भी करे लोग पसंद करते हैं. जैसा हेयर स्टाइल रखे वैसा हेयर स्टाइल रख लेते हैं, जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहन लेते हैं. कभी कभी हीरो कपड़े उतार देता है लोग वो भी पसंद करते हैं. एक समय था जब बच्चन साहब बेल बॉटम पहन के आते थे ना. yeah. तो हर कोई बेल बॉटम पहन के ना खुद को बच्चन समझता था. Absolutely. जो तो लंबा आदमी उसका तो चलो ठीक है. कई मेरे जैसे बटले थे ना जो निक्कर भी पहने तो शूज तक जाती है वो भी बेल बॉटम पहन रहे थे. और वो बेल बॉटम पहन के घूमते थे, ऐसा लगता था आदमी पेटीकोट पहन के घूम रहा है. और कभी कभी तो इनकी बेल इनके ही बॉटम में फंस के ना नीचे गिरा देती थी. आप देखना हीरो के आने से पहले उसकी एंट्री का बिल्डअप देते थे फिल्मों में. हाँ. कोई गांव या बस्ती दिखाते थे जिसे डाकू परेशान कर रहे होते हैं. फिर डाकू किसी औरत का बच्चा छीन के यूं फेंकता था हवा में, बच्चा हवा में उड़ता उड़ता जाता सीधे दो हाथों में. yeah. वहां पे हीरो की एंट्री होती थी. हाँ. अगर फिल्म में तीन हीरो हो फिर डायलॉग भी उसी के हिसाब से रखने पड़ते थे. कई बार तो तीनों के नाम भी बताने पड़ते थे. हाँ. भले ही गाने में डालने पड़ते थे पर पब्लिक कोई सवाल नहीं करती क्योंकि हीरो कर रहा है. अब RRR आपने देखी होगी. उसमें एक आदमी मोटरसाइकिल ऐसे से नहीं घुमाता, मोटरसाइकिल की रुमाली रोटी है पर लोग पसंद करते हैं. अच्छा, पहले की फिल्मों में हीरो विलन की जब फाइट होती थी. हाँ. तो हीरो बताता था किस. हाँ. कारण के लिए मार रहा है. हाँ. तूने मेरी माँ को मारा टिश्यू, मेरी बहन पे गंदी नजर डाली टिश्यू, अरे तेरी वजह से मेरे सर से पाप का साया उठ गया एक टिश्यू. अच्छा, लोगों को बड़ा मजा आता था. हाँ. कि हीरो हर चीज का हिसाब ले रहा है. हाँ. कई तो बड़े फैन होते ना तो वो चिट्ठी भी लिखते थे, सर जी. हाँ. हमने देखा. हाँ. विलेन ने आपकी बीवी का मंगलसूत्र भी खींचा था, उसका बदला रह गया. हाँ. अच्छा, लोग पिक्चर हॉल में यही देखने जाते थे कौन किस पे भारी पड़ रहा है. फैन थिएटर से बाहर आके आपस में लड़ते थे, दो निकल रहे फैन, दिलीप साहब खा गए. दूसरा कहता भाई यार राजकुमार ने अकड़ने नहीं दिया बिल्कुल भी. अच्छा, दिलीप साहब राजकुमार का अच्छा चल रहा है. ये लड़ लड़के जीजा साला अपनी शर्ट फाड़ बैठते थे. फिल्मों का इतना प्रभाव हो जाता है. अच्छा, आप कभी देखना विलेन के अड्डे पे हीरो जाता ना तो एक ही गोली मारता है, उसके एक आदमी को जरूर लगती, विलेन पूरी स्टेन गन खाली कर देता है, किसी को नहीं लगती. अच्छा, सामने से गोली आ रही, हीरो करता इशू भी तेरे को दिख रही है, और गोली लग भी जाए हीरो बच जाता था. क्योंकि मरना तो हीरो की मर्जी पे होता था, कमरे कहीं तो मरते मरते डायलॉग बोल जाते थे. सूरज सूरज, मैं तो मीना से एक तरफा प्यार करता था लेकिन दोस्त ये तेरा प्यार है दोस्त. दूसरे हीरो बोल रहा है नहीं तो अभी नहीं जा सकता मेरे यार, नहीं दोस्त मुझे जाना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों. हीरोइन का हाथ अपने दोस्त के हाथ में देके फिर डायरेक्टर बोलता सर दो लाइन बाकी है. एक बात और, मैंने 50,000 की एफडी करवाई थी, वो तोड़वा के मेरी बहन को दे देना. हीरो ही नहीं उसकी माँ का कॉन्फिडेंस भी बड़ा गजब होता था. हीरो के मरने के बाद भी माँ बोल रही होती थी मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे धरती का सीन फाड़ कर आएंगे, क्योंकि माँ ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी होती थी. उसको पता है इंटरवल से पहले दोनों हीरो मर गए तो फिल्म क्या मैं और मरीशपुरी साहब खींचेंगे. तो ये हमारी फिल्म में एक टाइम ऐसा भी आया था. हाँ. गांव में जब टीवी बहुत कम आए थे, गांव में क्या लोग करते थे सफेद चादर लगा के ना उस पर फिल्म चलाते थे. हाँ, आपने हाँ, पता नहीं कभी सुना कि नहीं, उस चादर पे कभी कभी पहले से हल्दी का दाग लगा रहता था. हाँ. तो जब कभी कभी रजा मुराद डायलॉग बोलते थे ना, बोलते बोलते हल्दी की साइड आ जाते थे, उनका सफेद मुंह ना जॉन्डिस वाला हो जाता था. जब वो कहते ना आइए आइए रोमा देवी, रोमा देवी उस तरफ जाती थी ना उसका भी ड्रेस कॉम्बिनेशन खराब हो जाता था. उसका व्हाइट ब्लाउज पीला हो जाता था. सारे बुजुर्ग बैठ के पूरे गांव वाले फिल्म देख रहे, एक आध कोई पूछता अरे विशेश्वर नाथ नहीं आया, जो कहां से आएगा उसी की धोती पे तो फिल्म चल रही है. अच्छा, गांव में जब कभी पर्दे पर डाकू वाली फिल्म चलती थी ना बड़ा मजा आ रहा, डाकू भाग रहे हैं पीछे पुलिस, लोगों को टेंशन, ऊपर विनोद खन्ना बैठे हुए डाकू बन के, भाई ये कहीं पकड़े ना जाए पकड़े ना जाए ये कहीं पकड़े ना जाए. हवा चली पर्दा नीचे गिर गया, विनोद खन्ना तो नहीं पकड़ गए, गांव का सरपंच पकड़ा गया जो खुले में बैठ के स्वच्छ भारत के नियम तोड़ रहा था.
डायरेक्टर की लाइट सीधी सरपंच पे पड़ी, कहीं तो परेशान हो गए, हमारा सरपंच फिल्म में कैसे आ गया। कई बार ना तेज हवा से पर्दा जब हिलता था तो फिर एक्टर भी हिलने लगते थे। हम कभी देखना हीरोइन अपने ससुर से कंप्लेंट कर रही है और हवा चलने लग गई, पर्दा हिलने लग गया, बात कैसे करती, पिताजी मैं एक पल भी सुनील के साथ इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है, प्लीज मुझे यहां से ले चलिए। ससुर भी बोलता था, बेटा सुनील के साथ जिंदगी भर रहने का फैसला तुम्हारा ही था, और मियां बीवी में अनबन तो होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी तू ससुराल छोड़ के मायके में बैठ जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसे आप कहें। ये तो हुई मजाक की बात, असली हीरोपंती का जलवा क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर टाइगर श्रॉफ एंड तारा सुतारिया। टाइगर माय ब्रो वेलकम, जोरदार तालियां टाइगर और तारा के लिए। वेलकम वेलकम तारा। थैंक यू सर, थैंक यू। जोरदार तालियां। टाइगर कमाल है, एक्शन हो डांस हो, टाइगर की हीरोपंती अलग ही है। टाइगर आपको पता आपके जैसा डांस दो लोग ही कर सकते हैं, एक तो खुद आप, दूसरा वो जिसको डांस भी बड़ा अच्छा आता हो और जिसकी सिलाई भी पेंट की पक्की हो। सीरियसली बताना टाइगर, आप मतलब वो फ्लिप फ्लिप करते हो पूरा स्टेज पे, हमारी तो आगे पीछे नहीं होती, ये साइड पे भी कर लेते हैं ऐसे करके। कभी ऐसा हुआ डांस करते वक्त ऐसे नीचे से आवाज आई चर्र और आपने कहा कि थैंक यू? कई बार हो चुका है मेरे साथ ड्यूरिंग शूट्स, खासकर हीरोपंती 2 में मैं सूट पहन रहा हूँ पूरी पिक्चर में, तो सूट में एक्शन करना, सूट में डांस करना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे कम से कम 10-15 एक्स्ट्रा पैंट्स तो रेडी रखते थे मेरे सेट पे। और ये सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रहे। तारा, ये आपकी चौथी फिल्म है ना हिंदी मूवी? जी और सही है। उसमें से 3 मूवीज में हमारे यहाँ पे आ चुकी हैं। एक बार नहीं आप खाली आई, पता नहीं उस समय हमारा शो ऑफ एयर था या कोविड था इसलिए सर। अच्छा मुझे लगा आपको मेरी शादी डाइजेस्ट नहीं हुई। ये लग रहा है सर, एक्चुअली वो सही है। तारा यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ में टाइगर है, बंदा दूसरा लाइन भी मार सकता है क्योंकि खुद ही इतना हैंडसम प्रोडक्ट लेके आई है साथ में। टाइगर के साथ तारा ने पहले जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की थी, अब हीरोपंती 2 कर रही है, तो आपको 2 नंबर के काम करना अच्छा लगता है? सर मैं ना इंटरव्यूज में अब यही लाइन बोलूंगी कि मुझे 2 नंबर के काम करना अच्छा लगता है। लव इट, आई एम गोना से इट नाउ। पर आप दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत-बहुत मुबारक आपको। आइए। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत स्वागत है। फिल्म में टाइगर का एक डायलॉग है, बबलू ढूंढने से नहीं किस्मत से मिलता है। तो इस लाइन से आप क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी का बबलू सच में गुम हो जाए तो नहीं ढूंढे? कोशिश करो प्लीज। डिपेंड करता है कौन है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा मामला गरम है तो आपकी मर्जी, सेम गोस फॉर अ कपल, बट विद समबडी यू केयर फॉर तो बिल्कुल ढूंढेगा प्लीज। सारा ध्यान से, इधर गीला है सारा सोफा ना, क्यों? देखा आज तो कपिल बहुत उदास हो गया। सारा यू मेड हिम वेरी अनहैप्पी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सबको मैं बता दूं कि इस फिल्म की जो शूटिंग है अलग अलग देशों में हुई है, जैसे इंग्लैंड, रशिया, थाईलैंड, इजिप्ट। तो ये सवाल टाइगर उनका जी था, हाँ कवर कर रही थी। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि जब आप वापस आते हो बाहर से शूट करके ड्यूटी फ्री से क्या क्या खरीदते हो? ज्यादातर चॉकलेट्स, खासकर क्योंकि मॉम को चॉकलेट ज्यादा पसंद है। हाउ स्वीट, चॉकलेट खरीदते हैं वो भी मम्मी के लिए। आपका काम बन गया। तो अभी अपने पासपोर्ट पे 2 बोतल पानी की। लेकिन टाइगर मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े फूडी हो। यस दैट्स ट्रू मैम। और तुम खाते नहीं हो तो ये कैसा फूडी हुआ यार? एक्चुअली हर संडे को मेरा चीट डे होता है। संडे को क्या क्या खाते हो? आइसक्रीम ज्यादातर खाता हूँ, आइसक्रीम, चॉकलेट्स। ब्रेकफास्ट में पिज्जा मंगवाता हूँ या ऑड टाइमिंग पिज्जा, वड़ा पाव, यू नो, दाल,
दाल चावल बर्गर्स तो बहुत सारी चीजें मिक्स करता हूँ मैं। तो संडे को मतलब पूरी कसर निकालते हो? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो जितना आप संडे को खाते हैं वो भी चीट बोल रहे हैं, इतना ब्रेक में खा जाती है। ओहो, नहीं जेन्युइनली एक्चुअली हमने कभी टाइगर से पूछा नहीं, टाइगर आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है कि मौकाटेरियन है, जो मिले मौके। डैड के सामने ज्यादातर वेज फूड खाता हूँ मैं, क्योंकि ही इज अ वेजिटेरियन, वरना मैं स्ट्रिक्ट नॉन वेज हूँ। अच्छा। तो तारा आप भी प्लीज थोड़ा लड़कियों को गाइड करें, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जानने चाहते हैं क्या खाती हैं आप। सच बता, सब खाती है? मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ फिलहाल, नहीं करती आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बट आई एम अ बिग बिग फूडी। हमारे घर में सिर्फ खाने की बात करते हैं ज्यादा, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद फूड। तारा सुतारिया, जो भी आप खाते हैं वो फूड किधर जा रही है? आपको वैसे हमेशा ही, मतलब जब भी आपको देखा आप हैं, I swear, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सर। अब वक्त है फिल्म से हमारे बाकी मेहमानों को यहां पे आमंत्रित करने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अहमद खान। वो नवाज भाई, भाई मेरी जान, कैसे आप? वेलकम वेलकम अहमद सर, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। हेलो सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। नवाज भाई, हाँ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई यार, लव यू नवाज भाई। आइए अहमद सर, विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। स्माइल आपके चेहरे पे जो दिख रही है ना, वो एक्चुअली ट्रेलर देख के बंदे को पता चल जाता है, हाँ ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। बड़ा कमाल का ट्रेलर है अहमद भाई। एब्सोल्युटली अहमद, इतना जबरदस्त एक्शन, मेरे लेसेस खुल गए। बड़ा कमाल का ट्रेलर लगा भाई आपका भी, क्या अलग ही मजा आ रहा है देख के। ये जो आपने किरदार निभाया है लैला का, तो इस कैरेक्टर के लिए आपने रिसर्च किया कि किसी लैला के साथ उठना बैठना है आपका? बीच में मैंने रिसर्च वर्क किया था तो फाइनली कोई मिला नहीं मुझे, फिर मैं अहमद भाई के साथ ही बैठने लगा। अहमद भाई, नवाज भाई ने बड़े कमाल कमाल के करेक्टर किए, गैंगस्टर के रोल भी बड़े किए, खतरनाक वाले किरदार, आपने इनको लैला बना दिया। आपने इनको कहीं मैक्सी में देख लिया था क्या? आपके दिमाग में कहां से आया ये आइडिया? वो था कि हीरोपंती 2 करनी है, टाइगर ने जैसे मैंने हमेशा कहा कुछ ना कुछ बर्बादी की हर फिल्म में, सो अभी कौन है वो विलन सिवाय थानोस के? थानोस, ही हैड टू ओनली किल थानोस, एंड वी सेड हुम टू गेट, सो लेट्स गेट अ पर्सन हु विल नॉट डू एक्शन पिक्चर में, देयर इज हैंड कॉम्बैट ऑब्वियसली नहीं है दोनों का, तो ऐसा इंसान चाहिए था जो आंखों से लड़ पाए। तो बोलते बोलते यार क्या नाम रखे, शाकाल, मोगैम्बो, गब्बर, ये, और लैला नाम आ गया। So we said Leela and a villain is something abstract. Absolutely. And only one man on earth is Mr. Nawazuddin Siddiqui. Kamal ki action packed film hai, khatarnak stunt, haste haste chaku maar rahe hain. Nawaz bhai ka to mujhe qatl karna itna maza aata na dekh ke. Mere liye actually wahi romance hai. Chaku churiyon ke saath. Par dekho, par wahi hai ki naam ki jaise inhone baat ki, villain ka naam Leela, hero ka naam Bablu. अगर कोई बोले कि बबलू और लैला की फिल्म आ रही, लोग बोलेंगे अच्छा तो प्यारी सी कोई एनिमेटेड मूवी होगी, और आप देखो ऐसी एक्शन पैक फिल्म है। थोड़ा टाइम और रख के बबलू की जगह और कोई नाम, बबलू सोचो, माँ बोलती कि देखना मेरा बबलू आएगा। तारा हमने देखा है नवाज भाई के लिए भी काफी वो क्या वो ब्रास के वो सब लगे हुए हैं, पिन और वो जैकेट वैकेट पहना, मेकअप इनका भी काफी, तो दोनों में जल्दी कौन तैयार होता था आपके लैला? लैला को ज्यादा टाइम लगता था कि आपको लगता था? सर आपको या मुझे? नहीं, आई थिंक जब हम सर के साथ शूट कर रहे थे, वी एक्चुअली हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ मीटिंग ईच अदर, कैन गिव वी शो दैट ऑन द शो? यस यू कैन। तो सर हम दिखाएं हम कैसे मिलते हैं? अच्छा, वो वाला। तो खड़े होके तो हम पहले गले मिलते हैं,
And then we do... आँखों में बोलता, this is मेरा बच्चा. हमें बहुत बार मिले, हमारे साथ तो कभी नहीं किया नवाज भाई. टाइगर, आपको पता है, एक बार ना नवाज भाई की हमारे साथ पहले भी बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने बताया था कि रमन राघव जब मूवी इन्होंने करी ना, तो उस किरदार से निकलने के लिए इनको बहुत टाइम लगा था. भाई लैला से आ गए बाहर. क्योंकि लैला से बहुत जल्दी बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे मजनू अंदर आ जाएंगे. एक्चुअली जिस दिन फिल्म ख़त्म हुई, उस दौरान बीच बीच में हमारा गैप होता था, फिर शूट करने जाते थे. उस दौरान जो है काफ़ी लोग, यार नवाज तुम्हारा तो थोड़ा सब ठीक ठाक है ना, अलाइनमेंट वगैरह सब ठीक ठाक है, या थोड़ा सा लहरा के चल लो क्या है ये, ऐसा हो रहा था. बट फाइनली जब ख़त्म हुई इसके बाद एक और फिल्म की, तो थोड़ा गया वो. अच्छा. अदरवाइज उस स्थिति में यहाँ नहीं आना चाहता, तो क्योंकि मुझे आप पे भी शक है. नवाज भाई ने हाल ही में बड़ा कमाल का बंगलो बनाया है, पूरे व्हाइट कलर का हमने देखा भाई, व्हाइट हाउस. कभी आप बैठे रहते हो आप अंदर उसके, आपको फीलिंग नहीं आती कभी कभी कि साला पुंजी प्रेसिडेंट है? अगर बंदा नई शर्ट भी सिलवा ले ना व्हाइट कलर की, तो इधर उधर बैठ के ध्यान से देखता है, आर्म रेस्ट पे नहीं रखता है कि कहीं गंदी ना हो जाए. तो आपने सफेद बंगलो बनाया, तो ऊपर जाके कबूतर उड़ाने जाते हो आपके घर? मैंने इतनी मेहनत से बनाया, खराब ना कर दो, ऐसा करते हो आप? व्हाइट ही कलर का क्यों बनाया नवाज भाई? नहीं नहीं, व्हाइट नहीं, थोड़ा स्काई ब्लू भी है उसमें, जो पिलर्स हैं वो स्काई ब्लू टाइप के हैं. मैंने सुना है कि आप कुछ आर्ट फिल्में भी कर रहे हैं. नवाज भाई बस सब आपसे धीरे धीरे सीख रहे हैं. आर्ट फिल्म किसको बोलते हैं नवाज भाई, मतलब जिसमें जो फिल्म सिर्फ आर्ट लोग देखते हैं उसको आर्ट फिल्म बोलते हैं? सो आर्ट फिल्म नहीं है वो. अच्छा. इट्स सम सीरियस मूवी. ओके. मैंने बोला था ना आपको, आई एम वेरी गुड एक्टर, आपने सीरियसली लिया नहीं मुझे. टाइगर से अहमद भाई ने बागी में शर्ट उतरवाई, फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, इसमें पैंट भी आपने उतरवाई है. फिल्म और सुपर डुपर हिट होने वाली है. आपने इनसे कहा कि इसके आगे के सीक्वल मैं नहीं कर पाऊंगा. अभी आगे क्या सोच रहे हो आप अहमद भाई? ऐसे हीरो कहाँ मिलेगा जो डांस कर सके, बॉडी अच्छी हो, एक्शन कर सके, गुड लुकिंग हो और तहजीब वाला हो. ये सब चीजें हीरो में होती हैं जो पैक बनता है. अच्छा, मैं तो टाइगर से एक बार मिलता हूँ, उसके बाद मैं रेगुलर 15 दिन जिम चला जाता हूँ, टाइगर से इंस्पिरेशन मिलती है. आपने कितने दिन फिल्म शूट की? मैं तो पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे, 3 फिल्मों की हैं, तो मैंने गिव अप कर दिया हूँ. और अब वक्त है एक ऐसे लेजेंड को यहाँ पे बुलाने का जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी संगीत की धूम मचाने वाले वन एंड ओनली द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर ए आर रहमान. रहमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो. वेलकम. लाइन ज्यादा लंबी थी हिंदी वाली ना. मैं आप सबको बता दूं कि आप सब जानते ही हैं, रहमान साहब ने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के साथ कोलैबोरेट किया है. नुसरत फतेह अली खान साहब, माइकल जैक्सन, माइकल बोल्टन, सारा ब्राइटमैन, डीडो, हैंस जिमर, एकॉन. सर, आपको नहीं लगता अभी भी आपके प्रोफाइल में एक बंदे की कमी है? कोई एक बंदा कभी आपको मिला हो 3-4 साल पहले, जिसको आपने कभी बोला हो कि तुमको गवाऊंगा? आई एम वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट. ओह सर, लव यू, थैंक यू. रहमान सर, एक बात बताइए, आप बड़ा सिलेक्टिव काम करते हैं, आप चूजी ज्यादा हैं कि महंगे ज्यादा हैं? बोथ. अच्छा, वन थिंग आई लाइक अबाउट रहमान सर, आप 15 लाइनों का सवाल पूछ लो, इनका एक ही जवाब आना, या बात खत्म. बट रहमान सर टीवी शोज में बहुत ही कम क्या जाते नहीं है, और हमारा ये सौभाग्य कि आप दूसरी बार हमारे शो पे आए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वी हैव अनदर आर्टिस्ट हु नीड टू रन देयर हाउस, दे विल कम वन बाय वन एंड विल ट्राई टू मेक यू लाफ. सो बिकॉज सर जाते नहीं है, तो टीवी शोज में क्या होता है, सो आई हैव समथिंग, आई विल क्यू यू लाइक इफ यू डोंट लाइक द जोक. दिस इज
Medium laugh. ठीक है. Medium laughter. Medium laughter. Small laughter, like you are giving right now. So we have made this specially for you. अच्छा. Yes. सर जी, अभी तक आप लोगों ने शो में हमारा टैलेंट देखा, अब हमारी मजबूरियां देखो आप. क्या मजबूरियां मुझे बताओ कपिल शर्मा. मैं क्या इधर एक्सरे दिखाकर पैसे मांगने के लिए आया हूँ? कैसी बातें कर रहे हो यार, कभी तो गेस्ट के साथ बातें करने दिया करो. हेलो अहमद सर, हेलो रहमान सर, हेलो टाइगर सर, हेलो नवाज सर, हेलो तारा. ओए जो मेन तेरे पास लाइन है ना वो बोल. ये ना हेलो हेलो करके क्या दो मिनट टीवी पे आ जाते हैं, फालतू की बातें करते रहते. ये क्या बन के आया तू? एक्शन हीरो दिख नहीं रहा हूँ मैं. एक्शन हीरो जैसे टाइगर सर हैं यार. डायलॉग सुनो तुम. हाँ. जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है. तू अपना खुद का ओरिजिनल बोल कि जो तेरा पोचा है वही मेरी शर्ट है. यार मेरी बात सुनो, तुम पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को क्यों मिक्स कर रहे हो हैं? अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ फिर, जो तुम्हारे यूएस के शोज हैं वो कर लो अकेले, मैंने नहीं करने तुम्हारे साथ शोज. यार तू तो नाराज हो गया. नहीं नहीं यार जाओ अकेले जाओ यूएस, मैंने नहीं करने शोज. बात तो सुन, तेरे को पता है ये बात मैं तेरे को बोल नहीं पा रहा था. नमाज सर चक्कर पता क्या है, हम अक्सर फॉरेन जाते रहते हैं जी. हाँ ये बड़ा, अभी पिछले दिनों ये गया थाईलैंड. अच्छा. तो कहता है मेरी थाई मसाज कर दो. वो कहती पहले थाई तो लेके आओ. उन्होंने फिर इसकी पाई पाई पे मसाज किया. बेइज्जती बड़ी करवाता है मेरी बाहर जाके. उन्होंने मसाज किया, बोलती पैसा मनी. कहता है ऐसा है, पैसे मेरे पास नहीं, मेरे पास तेल है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो मैं उसकी मसाज कर देता हूँ. ऐसे हरकतें करता है ये. रहमान सर ऐसे रिश्ते बनते हैं, इसको पता नहीं है, ही डजंट नो एनीथिंग. खैर वेल रहमान सर इसके सारे जोक्स. ब्लू है. मेरी बात सुनो. हाँ सर जी. अहमद सर प्लीज इसको इग्नोर कीजिए, आप मुझे बागी फॉर्म में लॉन्च कीजिए. उसके बाद इट्स अप टू यू कि आपने मुझसे एक्शन करवाना है, रोमांस कराना है, डांस करवाना है या गाड़ी धुलवानी है, जो भी है. तो अगर फिल्म की डिमांड होगी तो चंदू गाड़ी भी धो देगा, आप खुश हो तुम? प्लीज अहमद सर. क्या सुना ने? तो चक्कर ये है कि देखो हीरोपंती अभी लेकर आए थे, अभी कल की बात है. आज आप टू लेकर आ गए हैं. हाउ टाइम फ्लाइज, पता नहीं चलता. देखो जिनके घर में घड़ी होती उनको चलता है. कॉन्फिडेंस देख कहाँ से आया है, तेरा बाहर आ रहा है. वेरी चीप नी यू हैव. रहमान साहब के चक्कर में मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, इनमें सीधा बोलता वाह याद घुटना बाहर आ रहा है. सर आप प्लीज, आप बस एक छोटा सा प्रयास कर दें, आप मुझे लेकर फिल्म बना दें. अच्छा. आपके इस प्रयास की वजह से इंडस्ट्री को एक एक्शन हीरो मिल जाएगा. या फिर आप 50 रुपए दे दें, इसको लंच मिल जाएगा. जैसा आपका ठीक लगे आपको. 50 रुपए में कौन सा लंच आता है, 80 रुपए की थाली आती है वेज और 90 रुपए की नॉन वेज. टाइगर सर आपने बॉडी बनाई है तो आपका जो डाइट प्लान है वो क्या है, मैं भी बनाना चाहता हूँ. बहुत सारा आप नॉन वेज खाते हैं, एवोकाडो सैलड, ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारा खर्चा ये होता तो है. बहुत हो गया ना फिर. नवाज सर आप अपना बता दीजिए. मैं पहले डिसाइड कर लो एक्शन फिल्म करना चाहते हो या दूसरी टाइप की फिल्म. भाई मैं आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, जैसा आप मुझे सजेस्ट करेंगे मैं वैसा करूंगा. ओह गॉड. और एम सर पता क्या है, अगर आपके पास कोई स्टोरी को लेकर भी कुछ है इधर है या नहीं है तो मेरे पास काफी आइडियाज हैं. आइडियाज बड़े आते पर अजीब अजीब आते हैं. फिल्म वाले नहीं आते. एक दिन मुझे कहता तेरे को पता है नवाज भाई ने बंगला लिया, चल बधाई मांगने चलते. ऐसे ऐसे आइडियाज लाता है ये. तेरे को हीरो क्यों बनना है यार? मैं बड़ा स्टार बन के कोई एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ. एनिमल्स के लिए? एनिमल्स. हाँ आपको पता नहीं है, अरे 2 मिनट में 15 घोड़े धो देता है ये. पर ये है सच्ची में एनिमल लवर बड़ा है. इसने अपने घर में 4 कुत्ते रखे हैं, इतना प्यार करता है ना, अपने में और कुत्तों में कोई फर्क ही नहीं समझता. जेन्युइनली, सीरियसली, ही इज एनिमल लवर.
उस दिन मैंने कहा चल घूमने चलते हैं, कहता रुक जा, मैं क्या हुआ, कहता मेरी लीश नहीं मिल रही। तो फिर इसने मुझे कहा, कहता आ जा मैं अपनी दे देता हूँ तुझे। ये तो बात हुई नहीं थी, मनगढ़ंत है। इट्स अ फिक्शन। इसकी डिलीवरी घर वाले ले रखते, आप किसी और से पूछ लो अगर किसी को बच्चा चाहिए तो। वी डोंट नीड दिस। और हीरोइन मानेगी तो फिर पूरी बात बताओ ना। डॉक्टरों ने पूछा बाहर जाके, कहते बच्चा चाहिए, मोहल्ले वालों ने इनको गोद में उठाया हो रहा, कहते हम पहले से आशा लेकर घूम रहे हैं, इसको कैसा रखेंगे हम। इट्स अ फिक्शन, इट्स अ फेक स्टोरी। मुझे पता था ऐसी बातें आएंगी आगे से, इसलिए मैंने अपनी हीरोइन ऑलरेडी रेडी कर चुका हूं। इन दोनों को बताया कि इनकी लाइनें कट जाएंगी, हेलो हाय काटेंगी नहीं, ये सबको दो दो बार हेलो करते हैं। अब तो चैनल में रोका नहीं, तो पहले हक भी करते थे मेहमानों को, इनका बंद करवाया मैंने बोल के। यार मेरी बात सुनो, अगर तुमने हमें यहाँ बात नहीं करने देनी होती तो हमें क्यों बुलाते हो इधर? कब बुलाया मैंने तुम्हें? सुना, जब वो नहीं बुलाता तो इधर क्या लेने आती हो तुम? वो तुम्हें बोल रहा है। देखो मेरा दोस्त है, मुझे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह था मैं कभी इधर ना आता। मतलब सर ये मेरी हीरोइन है जी। हाँ सर ये मेरा हीरो है। ये दोनों ऐसे ही हैं, एक दूसरे को हीरो हीरोइन मान के बैठे हैं। इन दोनों का एक एक फॉलोवर है, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा खासा इसका काम चल रहा था भाई, चोरी चकारी करके अच्छा बाइक वाइक भी ले लिया था। तो है बड़ा ईमानदार। रिश्तेदारों के घर गया तो उनको कहता देखो आप मेरे रिश्तेदार हो, बस आपसे इल्तिजा है मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे से हो जाती है चोरी। है ईमानदार, ये इसका है। तो देखिए मेरी ईमानदारी, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर मी, क्योंकि मेरी अभी लॉन्चिंग शुरू हो रही है, मेरी फिल्म आ रही है चंदू द हीरो। देखना आप, जैसे टाइगर आपने शर्ट उतारी ना तो लोग तालियां बजाते हैं। एक दिन इसने शर्ट उतारी, एक बंदा बगल में खड़ा था उसने भी उतार दी, कहता मेरे भी धो दो। जब भी मैं तुम्हारे साथ एंट्री करता हूँ ना तो मुझे ये बातें सुनने को मिलती हैं। एक सेकंड, तुम मेरे बहुत पहले आए हो स्टेज पे, मैं देख रही थी सब पीछे। तो देखा सर, मेरी कितनी बड़ी फैन है नवाज भाई, मुझे देखती रहती है। और नवाज भाई मैं आपको बताऊं, इसकी इच्छा है कि मेरे साथ एज ए हीरोइन फिल्म विलन में कर लूंगा। वो तो सर डन है, डन हो गया। नवाज सर मेरा कुत्ता ना करे इसके साथ फिल्म। क्या बोल रहे हैं, कुत्ते का रोल है भी नहीं फिल्म में, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से वहां एडजस्ट किया। तो इसको क्यों एडजस्ट किया अपनी फिल्म में फिर? सर एनिमेटेड मूवी बना रहा था रहमान सर, आई वॉज मेकिंग एनिमेटेड मूवी। हिंदी बोल मार, हिंदी में तेरे इतने फंबल हो रहे हैं, इंग्लिश में पंगे ले रहा। आई वॉज सर His English is in almost ICU. He can't even speak. He's doing so many fumble in Hindi. और चला अंग्रेजी को हाथ मार। सर तो इसको क्यों लिया फिल्म में फिर बुरी को? रहमान सर आई वॉज मेकिंग, नवाज भाई वो ना वो एनिमेटेड मूवी बना रहे थे। आप क्या बना रहे हैं समझ सकते हैं? एनिमेटेड मूवी जो कंप्यूटर पे बनती है। अच्छा। तो एनिमेशन वाले पैसे मांग रहे थे, तो मैंने कहा ये तो लगती भी कार्टून जैसी है। तो फिर मैंने इसको ब्रेक दे दी। सबको यहाँ दिख रहा है कि कौन कार्टून बन के घूम रहा है। शट अप। अहमद सर देख रहे हैं आप? देख रहा हूं। शट अप बोला उसने। ट्यूनिंग नए नए कपल वाली है हमारी केमिस्ट्री पूरी। उनको बोर्ड क्या दिखा रहे हो? केमिस्ट्री इनका मैथमेटिक्स चेक करो आप। मैथ का सवाल आया, कहते दो का टेबल लिखो, कहता हमारे घर में एक टेबल नहीं, हम दो का कहां से लिखे। तारा यू कैन इग्नोर देम, बट यू नो तारा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने देखी कि आप इतनी मेहनत करके आप टीवी से फिल्मों में गई। जब तुम्हें पता है टीवी पे मेहनत करो तो फिल्में भी मिलती, करते क्यों नहीं मेहनत तुम लोग, तुम भी क्यों नहीं करते?
ऐसे ताले मारने वाली कोई बात है नहीं इसमें, इसका कसूर नहीं है एक्चुअली सर। जब ये फिल्म करके आ जाता है ना बंदा, उसके बाद सारा साल हमें ताने मारता रहता है। अच्छा। और तब तक मारता रहता है जब तक इसकी फिल्म नहीं फ्लॉप हो जाती। और तुम क्या मतलब मैं कई हिट भी होती है जोरदार तालियां कपिल शर्मा के लिए। एक सेकंड कपूर, तुम क्या मेहनत हम मेहनत कर नहीं रहे यहाँ पे, अब क्या मतलब रस्सी में चिल के दिखा तुमको? तू यही चल के दिखाते बहुत है। हाँ, तुम लोग जैसा कर रहे हो ना, मुझे लगता है मुझे खुद अर्चना को साथ लेके रस्सी पे चलना पड़ेगा। Excuse me, तुम्हारे पूरे शो में ना एक लौती ग्लैमर हूँ मैं। पूरी मेरी बात सुनो। क्या? उसको जवाब देना तो दो, लेकिन झूठ मत बोलो। यहाँ पे सैकड़ों आंखें और 15 कैमरे लाइव चल रहे हैं। देखो चंदू, मेरी खूबसूरती के बारे में जानना है तो उनसे पूछो जो अमावस की रात को मेरी तस्वीर लगा के रोशनी कर देते हैं। क्या बात है? ये जिस एरिया से आती ना वो नैरो सड़क है तो ट्रक बड़े आते हैं, उसके पीछे जो पड़ती इधर आके चेप देती है। उस दिन तो पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, मेरे को कहती जगह मिलने में पास दिया जाएगा। हर बात ना शायरियां वारियां मत थोप दिया कर हम पे। अरे ऐसी शायरियां लड़की लिखते हैं मेरे लिए, और मुझसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी है। कोई लाइन नहीं लगती, कोई गायमन भाई इनको रिश्ता नहीं आता। एक दिन इसको आया था रिश्ता, लड़के वाले देखने के लिए आए इसको। लड़के का पापा इसको देखकर बोला, ओह कहता लड़की ये है, इसका रिश्ता तो मुझे भी आया था। इसको लड़की वाले देखने गए, मुझे एक ये था नहीं घर पे। कहते लड़का कहाँ है? कहता भी आ रहा है काम से। जब ये आया लड़की वाले कहते ये लड़का इसी के ऑटो में तो बैठ के हम आए हैं। यार मेरी बात सुनो। सर ऐसे तुम तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो जैसे मैं रोज ऑटो चलाता हूँ। सर संडे के संडे चलाता हूँ, वो भी हॉबी से एक मैं। संडे संडे के इसलिए चलाता है क्योंकि पापा घर पे होते हैं तो ये ले जाता है। हट, झूठ बोलता है। हो गया तुम्हारा? नहीं एक बचा है। आप बोलो। सुनो, और लड़की वालों को फोन किया इसने, कहता देखिए हम लड़की देखने आ रहे हैं लेकिन एक शर्त है। वो कहते क्या? कहते हाँ या ना लंच के बाद करेंगे, क्योंकि आप फिर रिजेक्ट करके फिर खाना भी नहीं खिलाते। यार मेरी बात सुनो कपिल शर्मा, वो फिल्म लेकर आए, कुंडलियां लेकर नहीं आए जो रिश्ते की बात कर रहे हो। रहमान साहब आप इस सीजन में पहली बार आए हैं तो हम लोगों ने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हो, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, बड़े फनी कमेंट्स आते हैं। हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई, तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ये नवाज भाई ने फोटो डाला है, लैला में लैला हीरोपंती 2 हैशटैग, और बड़ी अच्छी फोटो है। कमेंट्स पढ़ते हैं। ओह गॉड, ऐसी लैला हो तो मजनू का प्यार से भरोसा उठ जाए। लगता है नोटिस बोर्ड के कपड़ों से इन्होंने सूट बनवाया है, पिन अभी भी लटकी हुई है। अच्छा हुआ कोट में पिन लगाए हैं, पेंट में होते तो बैठ नहीं पाते। और दिखाइए, टाइगर का फोटो, बोर्ड द हैट फेल्ट क्यूट माई डिलीट लेटर। बड़ी अच्छी फोटो भाई। थैंक यू सर। दिखाइए कमेंट्स। गॉड, बॉडी बना लो तो बंदा बाथरूम में भी फोटो खिंचा लेता है, खिंचाता रहता है। अच्छी बॉडी वाले और खराब पेट वाले दोनों बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाते हैं। गांव की मम्मियां देख लें तो बोल रहे कुछ खाया पिया कर, हड्डियां दिख रही हैं। शुड आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो सर? नो, आई गेट इट। ओके, और आगे दिखाइए, मेरे से भी कौन सा होना था। तारा ने लिखा है, हे इज पीक इनटू द फर्स्ट फोटोशूट फॉर हीरोपंती 2, नाइस पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। हुज कार इज दिस? देखा, फोटो पे ध्यान नहीं, कार पे ध्यान जाता है। लगता है पूरा पोज लेने के लिए कार का दरवाजा निकाल दिया। किसी ने लिखा है, मैडम फोटो खिंच गई हो तो उतर जाओ, टैक्सी वाले को बाकी सवारी भी छोड़नी है। और दिखाइए आगे। वंडरफुल शेड्यूल ऑफ शिमला एंड मनाली कम्स टू एंड। भाई शिमला में क्या शूट करके आए? दूसरी फिल्म थी एक। अच्छा, कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। जब शिमला में कोई विमला दिख जाए।
लगता है ये पहले ऑटो चलाते होंगे इसलिए सीट पे आगे होके बैठे हैं। और दिखाइए आगे। हीरोपंति लेवल डबल्ड अप दिस शेड्यूल शूटिंग फॉर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सीक्वेंसेस। हाँ जी दिखाइए जरा कमेंट्स। पीछे वाली लड़की टाइगर को ढूंढ रही है और टाइगर झाड़ में छिपा बैठा है। इन्होंने ऑरेंज चश्मा पहना है, इन्हें नींबू भी संतरे दिखाई देंगे। किसी ने रिप्लाई किया, नींबू इतना महंगा है अब कोई सा भी चश्मा पहन लो दिखाई नहीं देंगे। और दिखाइए। लगता है टाइगर से पहले इधर बकरी आई थी जो सारे पत्ते खा गई। वाह, जैकी सर होते तो झाड़ को पानी देकर हरा कर देते। और दिखाइए। ओह, सीरियल किलर। अरे ये तो गिर रहा है प्लेट से। तभी तो सीरियल किलर बोल रही हो। नाइस वन। तो ऐसे प्लेट से कुछ गिर रहा हो तो उसको सीरियल किलर बोलते हैं? ये वो सीरियल है। सीरियल खा रही है, सीरियल को किल कर रही है, सीरियल किलर। यस। बड़ी इंटेलेक्चुअल है आप। कमेंट्स दिखाइए जरा। फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे पोज तो दे दिया, अब पोछा लगाना पड़ेगा। और कोई मेरे जैसे ही है, छोले में दूध मिला के कौन खाता है? छोले नहीं है ये। किसी ने लिखा, बुजुर्ग आदमी ने, बेटा दूध 40 रुपए किलो बिक रहा है और तुम ऐसे गिरा रहे हो। तारा ने टाइगर की जैकेट पहनी है तभी टाइगर बिना कपड़े घूमता है। बड़ी क्यूट पिक्चर है भाई। अरे भाई ये टाइगर श्रॉफ नहीं है, आपने गलत टाइगर। टाइगर को हीरोपंती के लिए कन्विंस करते हुए मेरे दोस्त ने भी एक बार शेर के साथ फोटो खिंचाई थी, बहुत याद आती है उसकी। इसको पाल तो लिया, अब घर के नौकरों को गिनते रहना। बहुत सही है। गुड वन। और दिखाइए। Where is this photograph? Thailand. Oh, where they have the little babies that you can hold. आगे आगे दिखाइए। Oh, रहमान साहब का फोटो है। Had a thoughtful brainstorming session. I know what's gonna come. The one and only Will Smith. Nice. Music festival? Wow, sir. दिखाइए comments, दिखाइए नीचे. This is an old one. रहमान सर इनसे थोड़ा दूर बैठना, इनके हाथ बहुत चलते हैं। रहमान सर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही कम बोलते हैं। और दिखाइए। विल स्मिथ अब घर से ही ऑस्कर अवार्ड देखते हुए। एक्चुअली इज अ स्वीटहार्ट, इज अ रियली नाइस पर्सन। आई थिंक एक्चुअली फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी डे दैट डे। Sometimes it happens. Actually, दिखाइए और। The acting of pose. नवाज भाई ने ये फोटो डाला है, वाह। दिखाइए कमेंट्स। आप सिक्स पैक मत बनाओ, आप तो बस दोनों टाइम भरपेट रोटी खाओ। जल्दी से पिक्चर खिंचवा लेता हूँ वरना शूटिंग वाले कपड़े ले जाएंगे। छत पर कपड़े सुखाती महिला को ताकता हुआ पड़ोसी। चुन चुन के कमेंट दिखा रहे हैं आप। और दिखाइए। ओके, आई थिंक इट्स टाइम आई पुट ऑन सम क्लोथ्स एंड फाइट द गुड फाइट नाउ। कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए। सर जी, बॉडी बना के सूट पहना है या सूट बना के उस हिसाब से बॉडी बनाई? ऐसे सूट में लड़ाई कैसे करोगे, इतने टाइट सूट में तो बाथरूम ना हो। सही बात। आप हमेशा कसे हुए रहते हो, सोते समय नट बोल्ट ढीले करते हो या नहीं? और दिखाइए। टाइगर बेटा, हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं, ये बंदूक छोड़ दो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। किसी ने रिप्लाई किया, उसे दिशा के बारे में ज्ञान ना दो।
दिशा के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता. और दिखाइए. रहमान सर ने फोटो डाला, आई हैव गुड कंपनी फॉर दिस लॉन्ग फ्लाइट टू सिएटल. और ये कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए. सर ये सिएटल, ये सेटल होने के लिए कौन सी फ्लाइट पकड़नी पड़ती है? सेटल होने के लिए कौन सी? रहमान भाई सोच रहे हैं ये सो जाए तो मैं रोस्टेस देखूं. फोटो हो या जिंदगी, बीवी की नजर हमेशा पति पर रहती है. भाभी जी से कहो आराम से सो जाएं, उड़ती फ्लाइट में वैसे भी आप भाग नहीं सकते. आपको पता है अहमद सर ने इस फिल्म में टाइगर से डांस तो कराया, या एक्शन तो करवाया, या गाना भी गवाया. अहमद भाई ये आपका डिसीजन था कि टाइगर का सारा टैलेंट मैं दिखाऊं, कि प्रोड्यूसर ने कहा था कि निचोड़ दो? नहीं, डिसीजन मेरा ही था. एंड देन आई स्पोक टू, आई आस्क्ड रहमान के द सिंगर हुम आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस. तो ही सेड कौन है, पहले गाना भेजो. तो गाना भेजा, एंड ही सेड ही सिंग्स गुड, हु इज ही? आई सेड टाइगर. अच्छा. तो इट वाजंट के गवाना है, एक्चुअली ही अग्रीड बिकॉज ऑफ हिज वॉइस एंड द वे ही सिंग्स. Actually, Tiger बहुत अच्छा गाते हैं. पिछली बार जब उन्होंने गाया था, बड़ा beautiful गाया. Independence Day, you put a song in. Yes sir. Yes. जी जी. Pretty impressive. Thank you sir. Tiger पहला ही गाना, वो भी रहमान साहब के साथ. किस्मत अच्छी मेरी सर. पर फटी बड़ी थी उस वक्त. अभी भी फटती है. तो आप नर्वस थे रिकॉर्डिंग के समय? बहुत बहुत ही ज़्यादा. I'm just happy कि आप सभी लोग को आई होप पसंद आया गाना. एंड थैंक्स टू रहमान सर फॉर गाइडिंग मी एंड लेटिंग मी सिंग योर सॉन्ग. तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला. रहमान सर, यू नो तारा इज ऑल्सो वेरी गुड सिंगर. अच्छा गाती हैं. थैंक यू सर. सुनाओगे तारा कुछ? रहमान सर, रहमान साहब. अच्छा, नवाज भाई के इंस्टाग्राम पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करते. तो नवाज भाई, कभी रास्ता भटकते हो तो नेविगेशन वाली लड़की को फॉलो करते हो कि आपको लगता है कि अपुनिच गूगल है? मैं ऐसे जोक सपाट. नवाज भाई, आप बड़े कमाल के एक्टर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ना, जो मतलब इनके जैसा बनना चाहते हैं. मेरा ये सवाल है कि आपके तो बड़े सारे फैंस हैं, आप किस एक्टर के फैन हो? मैं भी बहुत सारे एक्टरों का फैन. खत्म बात. सेम क्वेश्चन मेरा रहमान साहब से है. रहमान साहब, जिसको आप एडमायर करते हैं, वो कौन है? मेनी पीपल एक्चुअली. आई बीन डिस्कवरिंग द ओल्ड म्यूजिक नाउ, लाइक मदन मोहन साहब, एस डी बर्मन, हृदयनाथ मंगेशकर, एंड ऑल द ग्रेट्स एक्चुअली. बिकॉज आई थिंक टुडेज टाइम द म्यूजिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट सर्व्स द मूवी, but the musicality I think is definitely those 60s and 50s period we've been researching, and the lyrics and the tune and the singer and everything's like this. So it's like a university by itself. Naushad sir, if you take Shankar or Amit Trivedi and Vishal Shekhar, Bengali, a lot of, and Malayalam composers, Tamil composers, I think it's bursting with talent. I think this is the longest sentence which Rahman saab, you know, has spoken said together on TV. Rahman saab, shukriya. Aap hamare desh ka gaurav hai yaar. Matlab Rahman saab ke international fan following itni hai, aur jab bhi kabhi jaate hain, aapke music ke karodon chahne wale hain. We are so proud of you sir. Rahman sir, this was tribute for you. Okay, thank you. I meet you first time. You like it sir? Like it? No sir. Hare namaste. कैसे टाइगर जी? बढ़िया. हाय, कैसे तारा? नमस्ते. नमस्ते नवाज सर. नमस्ते अहमद सर. नमस्ते. नमस्ते अहमद सर. अरे बस करना, एक बार में सुन लिया उन्होंने. अगर उन्होंने एक बार में सुन लिया होता ना, तो आज इनकी फिल्म में मैं भी होती. मैंने देख लिया कप्पू, डायरेक्टर लोग को 100-200 नमस्ते तो लगता ही लगता है, तब जाके किधर कास्टिंग करते हैं. इतने बड़े बड़े लोग आए, मेरा थोड़ा तारीफ कर देना, अच्छा लगेगा. अरे क्या नवाज भाई, ये मतलब जैसे आप फिल्म में लैला हो ना. हाँ. ये हमारे मोहल्ले का थैला है. ये मतलब भटकती रहती है इधर उधर. तूने फिर मेरी बेइज्जती की ना. बेइज्जती मत किया कर, तेरे को मालूम है सब लोग मेरे को कितना प्यार करते हैं.
खास करके अहमद सर करते ना मेरे को। अरे अर्चना जी, मैं एक कॉल कर दूं ना, आधी रात को मेरे घर पे आ जाते हैं। सर मेरे को आपसे पूछना था, कॉल तो मैं आपको दिन में करती हूँ, आधी रात को क्यों आते हैं आप मिलने के लिए? खैर एनीवे, चेंज द टॉपिक। क्या बात है, हीरोपंती 2 के ट्रेलर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है टाइगर, क्या मजा आ गया सच्ची में ट्रेलर देख के। पिक्चर सुपर हिट होगी, मेरी दुआएं देख लेना। मैं ट्रेलर में देखते ना कुछ कुछ कहानी पता चलती है। इसमें आपको वो चाइना, इजिप्ट और अफ्रीका ये सब जगह पे ढूंढ रहे हैं ना वो लोग। हाँ वो लोग इतने स्मार्ट नहीं है, क्यों? अगर इनको मालदीव में ढूंढते ना तो ये मिल भी जाते। सच्ची में नवाज सर, आप हैशटैग मालदीव टाइप करो ना, 800 फोटो आएंगी, उसमें 799 फोटो इन्हीं की रहेंगी। बाकी किसकी होती है? अरे छोड़ ना, बात को दूसरी दिशा में क्यों ले जा रहे तू कपिल? नहीं, मैं तो मालदीव की बात कर रही थी। माय गॉड, कमाल है। स्कूल में लोग बाल दिवस मनाते हैं ना, ये माल दिवस मनाते हैं। सच्ची में। और अहमद सर कैसे? चलो अहमद सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात, क्या डायरेक्ट किया आपने। मैं सच्ची में कैमरे पे बोलती हूँ सबके सामने, मेरी जबान है सर, आपने जो डायरेक्ट किया है ना, और कोई ऐसा डायरेक्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई और करेगा तो अपने हिसाब से करेगा ना, सबका अपना अपना स्टाइल है। हाँ, हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल रहता है। अभी सोचो अगर अनुराग कश्यप ये पिक्चर डायरेक्ट करते तो इसमें चाइना, अफ्रीका ये सब थोड़ी रहता, इसमें रहता आरा, छपरा, गया, ये सब जगह रहती। और सच्ची में आपको इतने स्टाइलिश कपड़े भी नहीं देते वो, नवाज सर बताओ ना। एक लुंगी देते, ऊपर से एक बनियान देते और हाथ में कट्टा पकड़ा देते, ऐसा रहता। टाइगर के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं सच्ची में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या आप एक्शन करते हैं, माय गॉड, आप जब ऐसा कपड़ा फाड़ते हैं ना, सामने वाला ताली बजाने लगता है ना। वो मेरा छावा है ना मुकेश, कल उसने कपड़ा फाड़ा, सामने वाले ने उसको बहुत मारा। क्यों क्यों मारा सामने वाले? किसी और के कपड़े फाड़ेगा तो लोग मारेंगे नहीं क्या? अच्छा टाइगर, आपने ये पिक्चर में गाना भी गाया है ना? जी हाँ, आपने गाना भी गाया ना ये पिक्चर में? गाना गाया ना आपने? अरे पता है क्यों बार बार बोल रही है? नहीं नहीं, मैं तेरे को बता रही हूँ, रहमान सर ने तेरे को प्रॉमिस किया था ना गाने के लिए। है ना रहमान सर, यू प्रॉमिसिंग सिंगोइंग गाना टू हिम, नो सिंगोइंग, बट यू सिंगोइंग गाना टू हिम, व्हाई सर? वेटिंग फॉर पंजाबी फिल्म। वेटिंग फॉर पंजाबी फिल्म। अच्छा 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 अच्छा, हो गया तेरा? नहीं नहीं, अभी ऐसे कैसे, जब तक नवाज जी का मैनीक्योर पेडीक्योर नहीं करूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इनका मैनीक्योर पेडीक्योर क्यों करेगी? अरे तूने प्रोमो नहीं देखा क्या? क्या उसमें ऐसा लिपस्टिक लगा रहे हैं, ऐसा क्या नेल पॉलिश लगा रहे हैं, आजकल इनको यही सब लगता है। लेकिन सर, नवाज सर, मैं आपको गले लगना चाहती हूँ एक बार। सर क्या कैरेक्टर करते हैं सर आप, मतलब इनसे सीखने वाला काम है, मतलब कैरेक्टर के अंदर ना घुस जाते हैं सर आप। मैं सच्ची में बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता ये कैरेक्टर में जब घुस जाओ तो पिक्चर खत्म होने के बाद कैरेक्टर से बाहर आ जाना चाहिए? नहीं, मतलब मेरे को इनका एक किस्सा याद है, जब ये मांझी द माउंटेन मैन कर रहे थे ना, कैरेक्टर में बहुत घुस गए थे, तो उस वक्त एक लड़की ने ना इनको बैंड स्टैंड पे बुलाया पत्थरों के पीछे। अभी नॉर्मली क्या होता है, लड़के लोग गुलाब लेके जाते हैं, ये वहां हथौड़ा लेके पहुंच गए। सच्ची बता रही हूँ मैं। अब वो लड़की इधर बैठी है, नवाज सर इधर पत्थर तोड़ रहे हैं। घंटे बाद वो लड़की उठ के चली गई, एक हफ्ते में उसने शादी भी कर ली, नवाज सर अभी भी पत्थर तोड़ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा सर ये क्या कर रहे हैं, बोलते जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सर नवाज सर, मैंने आपकी सारी पिक्चर देख डाली मालूम है, आप फिराक में थे ना? मैं भी फिराक में थी। तू कहाँ फिराक में थी? नहीं, मैं फिराक में थी कि डायरेक्टर मेरे को साइन कर ले। ये उस फिराक में थी। उस फिराक में थी मैं। लेकिन उसने मेरे को पिक्चर में लिया नहीं, फिर मैं इराक चली गई। इराक की गई? वो डायरेक्टर ने मेरे को बुलाया, हट इधर जा तेल लेने, तो मैं तेल लेने इराक चली गई। काफी टाइम थी मैं उधर इराक में,
हाँ, लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया होटल में, खाने पीने का पैसा लिया, कोल्ड ड्रिंक का पैसा नहीं लिया वो लोग. कोल्ड ड्रिंक फ्री था? नहीं, मैं पिया ही नहीं तो किस बात का पैसा दिया? बात करते हो? खैर टाइगर, मैं तो आपकी फैन हूँ, मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं. हाँ, मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करती हूँ ना, तो मेरे को आपका वाला डायलॉग बोलते हैं. कौन सा? छोटी बच्ची हो क्या? ऐसा करके मैं क्या बोलता हूँ सर, मेरा पार्लर रहमान सर आए पार्लर यार, आई डू मसाज वर्क, यू नीड मसाज? नो मसाज, नॉट नो, नॉट नो, आई डू वेरी गुड मसाज सर, एनी टाइम. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, सो हमारे पास आपके लिए मसाज है क्यूरियोसिटी मसाज. इसमें क्या है? क्यूरियोसिटी हुई ना? इसमें कौन आया, किसकी मसाज हुई, किसने पैसा दिया, कुछ पता नहीं, सब क्यूरियोसिटी रहता है, ऐसा रहता है. फिर मैं चलती हूँ. सर बड़े बड़े लोग आते हैं, मेनी पीपल कम सर फॉर मसाज. टीनू आनंद जी आए थे मसाज कराने के लिए. हाँ, वो जाते जाते अपना आनंद छोड़ गए. कभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, किधर भी जा रहे हैं ना, उनको आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आनंद तो मेरे पास में है. तो मैंने उनको कॉल किया. मैंने बोला, टीनू जी मैं आपको आनंद देना चाहती हूँ. वो कहते हैं रात को 11 बजे आ जाओ. नहीं, अरे सुनो, हाँ ताली क्या बजा रहे पूरी? तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने बोला मैं आपका आनंद आपको देना चाहती हूँ. हाँ. तो कल चाय पे बुलाए दिन को मेरे को. अच्छा. मैं चलती हूँ. ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सर आपको पिक्चर के लिए. आप सबने हीरोपंती 2 के ट्रेलर में देखा कि नवाज भाई जो हैं ये साइबर क्राइम के जादूगर हैं. लैला, हमारे साथ रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि ऑनलाइन आप बड़ी सारी चीजें खरीदते हो, आपको 5,000 का लालच दे के 15,000 ठग लेते हैं, या जो भी आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हो, तो आप अपना फनी किस्सा हमारे दर्शकों के साथ, हमारे जितने भी दर्शक टीवी पे देख रहे हैं, हमारे मेहमानों के साथ शेयर कर सकते हैं. जी, जब कोई खूबसूरत लड़की आती है आगे, ये खड़े हो जाते हैं, व्यू ही मार देते सारा. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. कपिल, हाय अर्चना. हाय हाय. एंड हाय एवरीवन. कपिल जी, कल मैं अर्चना जी को बार में मिली थी. कहाँ मिली थी? तो आप कहाँ मिली थी? बार में. पूरी कहानी सुन ले. उनसे मिलके कहाँ पे? ना, बार कहाँ था? मैं अभी यहाँ मुंबई में एरिया सीख रही हूँ. आप कहाँ से आई हैं? वैसे मैं ओरिजिनली फिजी से हूँ. मैं न्यूयॉर्क से. जी, मैं न्यूयॉर्क में रह रही थी. ओके. बट अभी मैं यहाँ पे सुबह मुंबई में रह रही हूँ. ओके. क्या नाम बताया आपने अपना? शीतल. शीतल, कल हमारे प्रोड्यूसर साहब ऋषि का जन्मदिन था, तो हाँ, उनकी हाँ. पार्टी पर ये मुझे मिली थी, हमने एक फोटो खिंचाई थी. राइट? यस. ओहो, मैं गया ही नहीं पार्टी में, मुझे लगा यही सब आने वाले हैं. जी शीतल, तो क्या हुआ, आई वाज अ टीनेजर, 16-17 के हो गए थे तब हमको फोन मिली, तो वो कीपैड वाला फोन था. ओके. तो मुझे तो स्मार्टफोन चाहिए था, तो ऑनलाइन पे एड आया कि ये स्मार्टफोन है 200 में कहाँ मिलता है. तो फिर मैंने देखा, तो हमारे पापा हमको शॉपिंग वगैरह के पैसे थे, तो पापा से थोड़े पैसे लिए और वो मैंने ले लिया ऑनलाइन से. अच्छा. तो आया तो न्यूज़पेपर में लपटा हुआ था, जब खोला तो उसके अंदर साबुन था. साबुन था. पापा ने देखा, पापा आगे, पापा ने बोला तू ये साबुन ले, अपने दिमाग पर स्मार्टफोन का जो गोबर भरा है ना, वो उसको धो ले. शुक्रिया, थैंक यू शीतल. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुर्सी पर खड़े होकर जिक्र करें, जो भी करना चाहते हैं. हेलो कपिल सर. थोड़ी थोड़ी फटी तो देखी मैंने, पर आपका तो पूरा पूरा लेग पीस बाहर आ रहा है आपका. जी, क्या नाम है ब्रदर आपका? माय नेम इज अंबिकेश शुक्ला, मैं सांता क्रूज से आया हूँ. जी अंबिकेश, बोलिए. मेरे साथ कभी ऐसा ये मनी फ्रॉड तो नहीं हुआ है, बट मैंने अपने सर के साथ मतलब थोड़ा सा मजाक किया था सर. तो मजाक में क्या किया था कि उस टाइम 2 साल पहले लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम हम लोग का क्लास था, तो उस टाइम हम लोग का क्लास फ्री रहता था. तो सर को पैसे की अर्जेंट पड़ी, तो बोलते कि अभी अपना फीस ला के दो, और थोड़ा घर पे मनी प्रॉब्लम भी चल रहा था. तो मेरे को मतलब बचपन से ही आदत है, सबकी आवाज़ निकालने जानता हूँ. अच्छा. हाँ, तो फिर मेरे घर में एक बड़े दादाजी हैं, वो दादाजी की आवाज़ निकाल निकाल के मैं रोज़ सर को बोलता था. मतलब 3 महीने तक ऐसे किया था कि सर पैसा आपको कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा. निकालो दादाजी की आवाज़ कैसे निकाली थी? मतलब ऐसे बोला था,
हेलो हाँ रोटा हाँ जोगिंदर समझो अभी देखो पैसे से है नहीं बेटा जब पैसा आएगा हम तुमको बता देंगे वेरी नाइस तो फिर और भी आवाज निकालने जाता हूँ तोता हो गया और डॉग हो गए तोते रहमान सर आप देख रहे हैं हमारा शो कैसा डिटेलिंग वाला बात कहाँ से शुरू हुई तोते पे चली गई अभी आप देखना कहाँ कहाँ घूमती और तोता के अलावा और क्या क्या करते मोर तोते की आवाज निकाल के दिखाओ वाह वेरी नाइस और क्या वाह जनरेटर और बस 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 शुक्रिया तो ये आपने खुद फाड़ी है पेंट आपकी इतनी सारी इतनी होती नहीं नॉर्मली नहीं नहीं मैंने पैसे देके फड़वाए हैं चलिए आपको ईश्वर जहां तक आप फड़वाना चाहते हैं आपका एक बार जोरदार तालियां हीरोपंती 2 की पूरी टीम के लिए आइए सर और दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं गर्मियों का माहौल है भयंकर गर्मी पड़ रही है और आप सबसे अनुरोध है कि अपने घर के बाहर खिड़की पे दरवाजे पे या सड़क के किनारे मासूम पक्षियों के लिए जानवरों के लिए पीने का पानी खाने के लिए दाना ये सब जरूर रखें और हो सके तो घरों में हो रहे पानी की वेस्टेज को जरूर रोकें क्योंकि जल है तो कल है गुड नाइट शुभ रात्रि लव यू ऑल थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़